आप सभी श्रोताओं का एंड टाइम रेडियो के इस कार्यक्रम में हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जब आप इन वचनों को सुनते हो उन्हें पाए परमेश्वर का आत्मा बहुतायत के साथ मंडराने पाए, आपकी परिस्थितियों में परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होने पाए। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 45वें आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, फिलिप्पुस नतनेल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया और वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नाजरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। मेरे प्यारे सुनने वालों, हालेलुया, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिलिप्पुस नाम का व्यक्ति नतनेल के पास जाता है और बोलता है, जिस चीज का हम आशा रखते थे, जिस चीज का हम कामना करते थे, जिस चीज को हम भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में पढ़ते थे कि मसीहा आएगा, वो मसीहा आ गया, वो मसीहा को मैंने देखा। हालेलुया। नतनेल जवाब देता है, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नजरत से आ सकती है? मेरे प्यारे सुनने वालों, आपके जीवन को देखकर भी हालेलुया लोग यही बोलते होंगे, क्या आप कुछ अच्छा कर सकते हो? आपके हालेलुया लज्जाजनक परिस्थिति को देखकर भी लोग बोलते हैं, आपसे कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, आप दूसरों के काम नहीं आ सकते हो। हालेलुया। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप हालेलुया जब परमेश्वर के वचन को इस समय सुन रहे हो, मुझे कह दीजिए, जब यीशु आपके अंदर आएगा, अच्छी वस्तु आपके अंदर से निकलेंगी, अच्छी बातें आपके अंदर से निकलेंगी, आप भी लोगों के काम आओगे। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप पराजय में हो अभी, आप लज्जा में हो अभी, लेकिन मेरे मुझे कहने दीजिए, जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हालेलुया वो आपके अंदर जन्म लेगा, तब आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। ओ, मैं याद करता हूं 2011 को जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया था, मैं बिल्कुल बीमारी के बिस्तर में था, मैं बिल्कुल लाचारी की अवस्था में था। हालेलुया। ओ, मैं उस बीमारी के बिस्तर में था और रात के समय अस्पताल में जब मेरे माता पिता हालेलुया सो रहे थे कुर्सी पर बैठकर, मैं अचानक से जागा उस बिस्तर में, जाकर मेरे को शायद पानी ही चाहिए था। मैं पानी को मांगने के लिए करा रहा था, चीख रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल पा रहा था। ओ, मैं अपने उस बिस्तर में लेट गया, मेरे आंखों से आंसू आ रहा था। हालेलुया। मैं सोच रहा था कि मेरा अंत निकट है, मैं सोच रहा था मैं इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला हूँ, मैं सोच रहा था अगले दिन का रोशनी मैं नहीं देख पाऊंगा। ओ हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने आंखों को बंद किया, परमेश्वर मुझे सारा चीज याद दिलाया। ओ, कितना पापमय जीवन में मैं था, कितना श्रापित अवस्था में मैं था, कितना लज्जाजनक अवस्था में मैं था। हालेलुया। मुझे याद आया मेरे टीचर लोग मुझे क्या बोलते थे, मेरे दोस्त लोग मुझे क्या बोलते थे, कोई अच्छी वस्तु तुम्हारे अंदर से नहीं आ सकता। हालेलुया। ओ, उस समय हालेलुया मैंने प्रार्थना किया। हालेलुया। ओ, मैंने शायद उस समय पहली बार दिल से प्रार्थना किया था, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मेरे अंदर आ, यदि तू मुझे जीवन दान देगा तो मैं तेरे लिए जीऊंगा, प्रभु यीशु मेरे अंदर आ। हालेलुया। ओ, मैंने रोते रोते पश्चाताप किया और मन फिराया, वो यीशु मेरे अंदर आया। मुझे कहने दीजिए, उसके बाद से अच्छी वस्तुएं मेरे जीवन से निकलने लगी। ओ हालेलुया। उसके बाद से हाँ, नाजरत से भी अच्छी वस्तु आ सकती है, लेकिन जब यीशु नासरी नाजरत में जाएगा, जब यीशु नासरी नाजरत में आएगा, मेरे प्यारे सुनने वालों, अच्छी वस्तु आपके जीवन से भी आ सकती है, लेकिन जब यीशु आपके जीवन में आएगा तब अच्छी वस्तुएं आपके जीवन से आना शुरू होगा। मेरे प्यारे सुनने वालों, जिस जगह पर आप हो उस जगह पर परमेश्वर का महान सामर्थ प्रकट हो रहा है। जब यीशु नासरी यीशु मसीह आपके जीवन में जन्म लेगा, अच्छी वस्तुएं आपके जीवन से आना शुरू होगा। इस समय अपने आंखों को बंद करेंगे, जहां कहीं भी आप हैं, इस समय बोलिए, यीशु मुझे तेरी जरूरत है, मेरे अंदर आ। यीशु मुझे तेरी जरूरत है, मेरे अंदर आ, मेरे अंदर आ। मैं भी लज्जाजनक परिस्थिति में हूं, मैं भी ऐसे परिस्थिति में हूं जहां पर हालेलुया सब मुझे ताना मारते हैं, सब मुझसे बोलते हैं कि मैं किसी चीज का लायक नहीं हूं। मैंने सुना है प्रभु, मैंने सुना है जब आप हमारे अंदर आते हो, अच्छी वस्तुएं हमारे अंदर से आना शुरू हो जाती है। यीशु मेरे अंदर आ, यीशु मेरे अंदर आ, यीशु मेरे अंदर आ। मैं अपना जीवन तुझे देती हूँ, मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ प्रभु, यीशु मेरे अंदर आ। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग इस समय सच्चे दिल से आपको पुकार रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, यीशु आप उनके दिलों में आना, यीशु मसीह बहुतायत के साथ आप उनके दिलों में बसना प्रभु जी। हालेलुया। ओ हालेलुया। जहां पर
पराजय का सामना करते हैं, जहां पर ये लज्जा का सामना करते हैं, वहां पर यीशु जो इनके अंदर आया है वो प्रकट होने पाया है। हालेलुया, हालेलुया। नाजर से भी अच्छी वस्तुएं निकलने पाए आज से यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु जी आपने मेरी प्रार्थना को सुना है इसलिए धन्यवाद। एक एक लोगों को जो इस संदेश को सुने हैं प्रभु जी उनके लिए धन्यवाद। आशीषित करना प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन।